कांग्रेस की ओर से किसानों को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच छतरपुर में भी कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर ट्रैक्टर रैली निकाली। छतरपुर में किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और किसानों ने मिलकर ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों ने बीजेपी सरकार से किसानों को दिए वादों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन किया, जिसमें भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर किसानों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप भी लगाया है। सरकार बनते ही जो है फसलों के उचित दाम का वादा किया था, जो धान की कीमत है और सोयाबीन का जो 6000 का वादा किया था, सरकार उन वादों से मुकर गई। आज किसानों की छाती पे गोली और पेट पे लात मारने वाली सरकार उसी दोहरे चरित्र पर आ गई है। वोट लेने थे तो वादा किया था, आज जब सरकारें बन गई हैं तो सरकार, केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन मेरे मध्य प्रदेश के किसानों की ओर देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। तो आज इस मध्य प्रदेश का किसान लगातार आक्रोशित है, अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार मांगे कर रहा है। छतरपुर के सभी सम्मानित किसान और वरिष्ठ नेतृत्व में आज ट्रैक्टर किसान रैली के माध्यम से ये मांग की है कि सोई हुई सरकार होश में आए और जो उचित मुआवजा है वो मुआवजा देने का काम करे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।